दोस्तों, दुबई पूरी दुनिया में अपने सख्त कानून और अमीरी के लिए मशहूर है। वैसे तो दुबई में प्रिंस और प्रिंसेस की कमी तो नहीं, लेकिन आज हम आपको जिस शहजादी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सबसे अलग है, क्योंकि इनकी अमीरी के चर्चे दुबई में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होते हैं। इस शहजादी की लग्जरी लाइफस्टाइल और अयाशी देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस लड़की के निराले और महंगे शौकों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसे इंसानों से ज्यादा घोड़ों और कुत्तों से जुनून की हद तक प्यार है। और यह जिस घर में रहती है वह घर नहीं बल्कि सोने और हीरों से डिजाइन किया गया एक महल है। दोस्तों, ये शहजादी कोई और नहीं दुबई के शेख मोहम्मद बिन अल मक्तूम की बेटी शेखा मेहरा है। शेखा मेहरा का पूरा नाम शेखा मेहरा बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम है, लेकिन अरब कंट्री में इन्हें शेखा मेहरा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, दुबई के रूलर शेख मोहम्मद की फैमिली बहुत ही ज्यादा बड़ी है, क्योंकि शेख मोहम्मद ने 6 बार शादी की। हालांकि उनमें से कुछ पत्नियों को ये तलाक भी दे चुके हैं और उन्हीं में से एक है प्रिंसेस हाया, जिनके साथ शेख मोहम्मद की कई चर्चाएं भी आए दिन सुनने को मिलती रहती हैं। आपको बता दें, दुबई के इस रूलर ने अपनी सभी बीवियों को मिलाकर कुल 30 बच्चे किए, जहां इनके सभी बच्चे एक लैविश और लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं। हालांकि शेख मोहम्मद का सबसे पसंदीदा बेटा प्रिंस हमदान है, जो इस समय दुबई का क्राउन प्रिंस भी है और आने वाले समय में अपने पिता की कुर्सी संभालते हुए वही नजर आएंगे। हालांकि इसके अलावा शेख मोहम्मद के अपने कुछ बच्चों के साथ कुछ अलग रिश्ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दुबई के रूलर न केवल एक सख्त राजा हैं, बल्कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट फादर भी हैं। इनकी कही हर एक बात इनके बच्चों के लिए पत्थर की लकीर के समान होती है। उनके बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने पिता का आदेश कभी नहीं टाल सकते, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हम दुबई के क्राउन प्रिंस और शेख मोहम्मद के सबसे लाडले बेटे शेख हमदान के रूप में देख सकते हैं, जो ना चाहते हुए भी अपने पिता के कहने पर चुपचाप शादी कर लेते हैं, और ठीक ऐसा ही उनके बाकी बच्चों को भी करना पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि जहाँ शेख मोहम्मद के बाकी बच्चों को पाबंदियों में रहना पड़ता है, अपनी जिंदगी बहुत ही लिमिटेड तौर पर जीनी पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ अपने पिता का कहना ही करना होता है, वहीं इनकी एक बेटी ऐसी है जो अपनी मर्जी का हर एक काम करती है। दोस्तों, 26 मार्च 1994 को पैदा हुई माहिरा अपने लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से सबकी नजरों में रहती है और ये बेहद ही हसीन और खूबसूरत है। 28 साल की शेखा माहिरा जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी है। दोस्तों, इनके शौक जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। शेखा माहिरा को दुनिया के सबसे नायाब और खूबसूरत घोड़े रखने का शौक है। ये घोड़ों से जुनून की हद तक मोहब्बत करती हैं। इसका अंदाजा उनके अस्तबल में मौजूद एक से बढ़कर एक महंगे घोड़ों को देखकर लगाया जा सकता है। इनके पास एक ऐसा घोड़ा है जिसकी कीमत 25 करोड़ है। शेखा दुबई में होने वाले हॉर्स राइडिंग मुकाबले में भी हिस्सा लेती हैं। शेखा के पास इस समय दुनिया के सबसे बेहतरीन ब्रीड के 11 घोड़े मौजूद हैं। शेखा घोड़ों की देखभाल पर सालाना $4 मिलियन खर्च करती हैं, जो भारतीयों के हिसाब से 28 करोड़ बनते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहजादी हॉर्स राइडिंग की कितनी शौकीन है। शेखा माहिरा को स्विमिंग का भी बहुत शौक है और दोस्तों, यह एक बेहतरीन स्विमर भी हैं। इनके पेरेंट्स का कहना है कि वो स्विमिंग इसलिए करती हैं ताकि वे फिट रहें। दोस्तों, वाकई शेखा माहिरा की फिटनेस को देखने के बाद उनकी यह बात सच साबित होती है। इसके अलावा प्रिंसेस मेहरा को एडवेंचर और स्पोर्ट्स में भी काफी दिलचस्पी है। शेखा माहिरा के पास लग्जरियस कार की एक बड़ी कलेक्शन मौजूद है, जिसमें मर्सिडीज बेंज, रोल्स रॉयस, फेरारी, बुगाटी और गोल्ड लैम्बोर्गिनी जैसी बहुत सी बेशकीमती गाड़ियां भी मौजूद हैं। मेहरा के सोशल मीडिया पर बड़ी तादाद में फॉलोअर्स हैं, जो इनकी हर एक्टिविटी और पिक्स का बेसब्री से इंतजार करते हैं। शेखा मेहरा के पिता यानी कि शेख मोहम्मद बिन रशीद का खुद का एक प्राइवेट जू भी है, जिसमें शेर और चीता जैसे और भी बड़े खतरनाक जानवर रहते हैं। मेहरा सोशल मीडिया पर इन जानवरों के साथ फोटो क्लिक करके अक्सर डालती रहती हैं। आपको बता दें कि शहजादी मेहरा की शादी हो चुकी है। इनके पति का नाम शेख नासिर बिन अल खलीफा है। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और अरबों में पैसा कमाते हैं। मेहरा अपने पति के साथ दुनिया के सबसे बड़े और महंगे घरों में से एक हाउस ऑफ खलीफा में रहती हैं।
इस घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि स्वर्ग से कम नहीं। इस घर में हर चीज डायमंड और गोल्ड से डिजाइन की गई है। महल के बेडरूम से लेकर वॉशरूम तक हर चीज पर सोने की परत लगाई गई है, जो शाही खानदान का सबूत देती है। और इस घर में अरबों की पेंटिंग लगी हुई है। अगर बात करें इस घर की कीमत की, तो इस घर की कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। आपको बता दें, उनका नाम पहले क्रिस्टिना रखा जा रहा था, लेकिन उनके परिवार वाले अरेबिक नाम चाहते थे, इसलिए उनका नाम माहिरा रखा गया, जिसका मतलब होता है फीमेल बेबी हॉर्स या फिर एक खूबसूरत और कॉन्फिडेंट लड़की। आप अक्सर माहिरा को पब्लिक इवेंट अटेंड करते हुए देख सकते हैं, जो हमेशा अपने खुले बालों में आती हैं। दुबई की महिलाओं के ठीक विपरीत शेख माहिरा को लोगों के सामने प्रेजेंट होना बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों, शेख मोहम्मद की बाकी बेटियां या बीवियां ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती, उन्हें ऐसा करने की इजाजत भी नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ पर्दे में रहती हैं और लोगों के सामने नहीं आती, लेकिन माहिरा को ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं है। यही वजह है कि सारी मैगजीन इनके बारे में अक्सर आर्टिकल छापा करती हैं। यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पर इनका खुद का अकाउंट भी है, जहाँ ये अपनी फोटोज डालकर ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करती रहती हैं। इन सारी चीजों को देखकर ये तो साफ हो जाता है कि शेख मोहम्मद अपनी बाकी बेटियों के मुकाबले माहिरा को ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर हम शेख माहिरा की लाइफस्टाइल के बारे में बात करें, तो ये अपनी जिंदगी पूरी तरह से खुलकर जीती हैं। महंगी चीजें खरीदने से लेकर ट्रैवल करना, सोशल इवेंट्स को अटेंड करना इनकी जिंदगी का रोजमर्रा का हिस्सा है। हालांकि शेख माहिरा के इस लाइफस्टाइल के पीछे एक वजह ये भी है कि इनकी माँ ग्रीक से हैं। यही कारण है कि माहिरा पर अरेबिक कल्चर की छाप तो है ही, लेकिन इनके ऊपर वेस्टर्न फ्रीडम की भी झलक नजर आती है। असल में दोस्तों, आज से लगभग 30 साल पहले दुबई के रूलर शेख मोहम्मद ने ग्रीक की खूबसूरत लड़की जोई से शादी की थी। शादी के काफी समय बाद ये दोनों एक साथ रहे और इस दौरान जोई ने 2 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से एक था बेटा शेख अब्दुल्ला और दूसरी थी बेटी शेख माहिरा। हालांकि बच्चों के जन्म लेने के बाद दोनों का डाइवोर्स हो जाता है और ये कब और किस तरह होता है ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन हाँ, लोग ये जानते हैं कि शेख मोहम्मद ने जितनी भी शादियां की हैं, उससे कहीं ज्यादा तो इनके तलाक हो चुके हैं। हालांकि शेख मोहम्मद की पुरानी बीवी जोई अपनी बेटी माहिरा के साथ लगातार संपर्क में बनी रहती हैं। वो कभी भी अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ती और दोनों माँ बेटी के बीच बहुत ही गहरा रिश्ता है। दोस्तों, ऐसे में शेख मोहम्मद की बाकी बेटियां अपने घर पर बैठी रहती हैं, वहीं उनकी ये बेटी उनके बिजनेस और कारोबार में भरपूर हिस्सा लेती हैं। अगर देखा जाए तो माहिरा के जन्म से ही दुबई के रूलर ने काफी ज्यादा छूट दे रखी है। पहली चीज तो उन्होंने अपनी बेटी को अपनी माँ के घर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने का मौका दिया, और फिर साथ ही साथ माहिरा को अब्रोड जाकर अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करने में मदद की। इतना ही नहीं, अपनी बीवी से तलाक लेने के बावजूद भी माहिरा को अपनी माँ के साथ रहने, उनसे मिलने, उनसे बात करना, हर एक चीज की पूरी इजाजत है। माहिरा आधी ग्रीक है और आधी अरबी है, इसलिए दुबई के रूलर ने उन पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई, क्योंकि दोस्तों उनको पता है कि माहिरा एक अरेबिक होने के साथ साथ ग्रीक की भी नागरिक है। वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहन सहन माहिरा के अंदर भरा हुआ है, जिसे पाबंदियों में रखा नहीं जा सकता। और इसी चीज के बारे में सोचते हुए शेख ने अपनी बेटी माहिरा को सभी तरह की आजादी दे रखी है। हालांकि अपने पिता की दी हुई आजादी का माहिरा बिल्कुल भी गलत फायदा नहीं उठाती। तो दोस्तों, ये थी शेखा माहिरा की रॉयल लाइफस्टाइल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।